जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ के तहत आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के सुपरविजन में साकेत नगर थाना अधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में दो व्यक्तियों को एक अवैध हथियार व दो जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साकेत नगर थाने के अनुसार रविवार शाम को थाने के उप निरीक्षक महेश चंद गस्त मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर रास बाबरा चौराहे के करीब रूपनगर जाने वाली रोड पर पहुंचने पर दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। जैसे ही पुलिस टीम उनके नजदीक पहुंची तो दोनों व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया, परंतु टीम ने दोनों को धर दबोचा। वे तलाशी ली तो मुन्ना मैदा पुत्र नहा सिंह निवासी गाँव भेरूपदा पुलिस थाना नायन जिला रतलाम हाल किराएदार बाबरा रोड ब्यावर पुलिस थाना साकेत नगर के पास एक अवैध देसी पिस्टल मिली। वे दूसरे व्यक्ति किशोर कुमार पुत्र मदनलाल निवासी शक्ति नगर पाली थाना ट्रांसपोर्ट नगर जिला पाली की तलाशी में दो जिंदा कारतूस मिले। उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वे पूछताछ की गई तो पता चला कि मुन्ना मेधा उक्त देसी पिस्टल किशोर को बेचने आया था। वे दोनों के बीच खरीद फरोख्त चल रही थी। इस तरह सतर्क पुलिस टीम ने अवैध हथियार खरीद फरोख्त करते समय ही दबिश देकर दोनों आरोपियों को अवैध देसी पिस्टल जिंदा कारतूस के साथ पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। उक्त दोनों आरोपियों से अवैध हथियार खरीद फरोख्त से जुड़े व्यक्तियों के बारे में तथा हथियार खरीदने के पीछे के मंसूबों के बारे में पुलिस टीम गहनता से जांच व पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस टीम में जिला स्पेशल टीम के प्रभारी सुखदेव सिंह, हेड कांस्टेबल नंद किशोर सिंह, कांस्टेबल मोहन सिंह तथा अशोक कुमार आदि शामिल रहे।